मेरा पहला मुद्दा रहेगा हमारे गांव का सबसे पहला मुद्दा कि सड़क बेहतर हो, उनके बाद कटौती मुद्दा रहेगा, उनके बाद शिक्षा मुद्दा रहेगा। इसी तीनों बिंदु को हम लेके आएंगे। निदाय कासिम का फिकर सबको लेना है और पूरी पंचायत वासी को हमें एक बार समिति में मदद करना है। प्यारे दोस्तों, जहांगीरपुर बैसी पंचायत के एक बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ हम बातचीत करने वाले हैं जो हमारे गांव के बड़े माने जाते हैं। तो हम जानते हैं कि इनकी क्या राय है, ये इस पंचायत चुनाव में क्या क्या करने वाले हैं। तो पहले अपना नाम बताएं और अपना पंचायत का नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल गफ्फार और हमारी पंचायत का जहांगीरपुर बैसी यह पंचायत है। आप अपनी तरफ से कोई बात रखनी चाहेंगे? पहले तो हमारे अभी अभी सदानंद बाबू गुजर गए हैं। यह एक बिहार के पूर्व स्पीकर भी रह चुके थे, अध्यक्ष भी रह चुके थे और एक कांग्रेस पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। मैं उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूं और इस दुख के घड़ी उनके परिवार को भगवान उनको सहने का शक्ति दे और उन्हें इस तकलीफ़ से निकलने का भगवान पूरी मदद उनका हो कि ताकि उन इस तकलीफ़ से निकले बेचारा, उनका परिवार को इस दुख के घड़ी पूरी बिहार की जनता उनके साथ है। तो चलिए हम अब पंचायत चुनाव की तरफ आते हैं और आपसे कुछ सवालात हैं। तो सबसे पहली बात ये कि आप इस जहांगीरपुर बैसी पंचायत में कब तक यहाँ पर आप और किस पद पर रहे हैं, उसके बारे में पहले आप जानकारी दे दें। मैंने 2001 में चुनाव लड़े पंचायत समिति से। हमारी पत्नी यह महिला सीट है और उस टाइम मैंने कुछ वोट से पराजित हुए। फिर हमने 2006 में चुनाव लड़े सरपंच का, हमने विजय घोषित किए और लगातार हमने 16 तक सरपंच रहे, दो बार सरपंच रहे और मेरी पत्नी सरपंच रही क्योंकि महिला सीट थी और लगातार उसने 10 साल जनता का सेवा किया और जनता का जो भी समस्या हुआ अपने मेरिट से निपटाई, कभी भी मेरी मदद नहीं लिया उसने। जब जब कोई समस्या हुआ अपने टेबल पे बैठ के अपने समाज के साथ बैठ के उस बात को समझने का काम किया और न्याय देने का काम किया 10 साल लगातार। उनके बाद फिर समाज उनको मौका देगा, आगामी चुनाव है और बीबी कैसर खातून यह महिला सीट है, वो जब जब चुनाव लड़ी है तो मेरी कोई मदद नहीं, वह अपने साहस से चुनाव लड़ती है और जहांगीरपुर बैसी का पूरी सहयोग उनके साथ है। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे जिम्मेदार, हमारा अपना जिम्मेदार, पंचायत के जिम्मेदार, उनका उनसे रफ्ता होता है, बातचीत होता है और सारी जिम्मेदारी अपने आप निभाती है। हमारा जिम्मेदारी राजनीतिक में है और मैं राजनीतिक का काम करते हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल में, हम पंचायत से हट के रहते हैं, सिर्फ पति का नाते उनके साथ रहते हैं या उनके कार्य पे उनके पीठ पे रहते हैं, मगर जो भी कार्य उसने किया है स्वयं अपना फैसला अपने आप लेती है। जी, जैसा कि आपने भी कहा कि हम पार्टी से जुड़े हुए हैं तो इस जहांगीरपुर बैसी पंचायत की बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अब तक जहांगीरपुर बैसी में उसकी कमी महसूस होती है। जैसे कि अगर हम नाम ले लें तो यहां पर अभी कोई भी हॉस्पिटल नहीं है हमारे इस बस्ती में, हालांकि यहां आबादी की कमी नहीं है, एक हॉस्पिटल इस जगह होना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हॉस्पिटल के लिए आज से नहीं, कई साल से हम इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि मेरा हॉस्पिटल जो है एक मॉडल हॉस्पिटल बने, यहाँ डॉक्टर की सुविधा हो, हर चीज़ यहाँ पे सुविधा हो, यह मेरा प्रयास है और आगामी आने वाला साल में इस काम को सफल हो जाएगा और मेरा प्रयास पूरा है कि मेरे गांव में हॉस्पिटल मॉडल हो, डॉक्टर हो, जनरेटर हो, नर्स हो, ताकि लोग यहाँ से
सात किलोमीटर नौगछिया नहीं जा सकता है। कितने ऐसा घटना है कि रास्ते में उन्हें महिला को डिलीवरी हो जाता है, उससे गांव का तकलीफ है, हो सकता है महिला का जच्चा बच्चा जान जा सकता है। तो सरकार के साथ लगातार मेरा बातचीत है। कारण क्या है कि जितने दिन से मैं इस बात को उठा रहा हूँ तो बिहार में सरकार नहीं होने के कारण और यहाँ पे MP MLA के नहीं होने के कारण मेरा अब तक इस पे प्रयास है सफल नहीं हुआ है। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि हम कई मरतबा कोशिश किए हैं और हमारा नेता न रहने के कारण ये काम सफल नहीं हो पाया, तो पिछले पंचवर्षीय में जो हमारे यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि रहे थे संजय मंडल जी, तो क्या उनसे आपने कभी बात की इस मैटर में कि यहाँ भी हॉस्पिटल के बारे में आप बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो पार्टी अभी सत्ता में है, तो क्या आपने मुखिया जी से कभी बात की कि यहाँ हॉस्पिटल के बारे में आप बात को आगे पहुँचाएँ? हमने रंजुला देवी से इस बात पे बात जब रखे तो उसने पिटीशन डाला, उनके बाद उसका मुरम्मती हुआ, बाउंड्री किसी वजह से कट गया, मगर यह मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है कि यह हॉस्पिटल मॉडल बने, सभी सुविधा हो। तो सवाल यही ना, अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ, तो ये कौन सा कारण है? यह कारण है कि सरकार तक जो है अब तक इनका मुद्दा नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं बीच में ही यह मुद्दा फ्लॉप कर जाता है जिससे कि नुकसान हो रहा है। इसीलिए हम बोले कि जो पिछले पंचवर्षीय में हमारे जो यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि थे तो उन्हीं के जिस पार्टी से वो जुड़े हुए हैं उसी की पार्टी की सत्ता थी, अभी भी है, तो बात पहुँचानी फिर आसान हो जाती है ना, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के अभी वहाँ सत्ता में हैं, फिर आराम से अपनी बात पहुँचा सकते हैं। तो उनको जब लिखित यहाँ से दिया गया हॉस्पिटल के लिए, तो हॉस्पिटल हम लोग मॉडल मांग किए थे। माननीय मुखिया जी रंजुला से बात हुई मेरी, उनका पति संजय मंडल भी था, तो हम लोग ने सरकार को दिए मगर सरकार ने उस काम को नहीं किया। उसी हॉस्पिटल को उसने ये कर दिया कि भाई इसका रिपेयर कर दो, और टंकी उनकी जो था नया रख दिया, घेरा भी दिए थे मगर वो भी कट गया। मगर हम लोगों की ये नहीं था, हम और माननीय मुखिया जी उनका पति और भी लोग कैबिनेट के थे, तो मेरा था कि सोच कि मॉडल बने, मगर ना तो मॉडल बना ना ही बाउंड्री हुआ, बाउंड्री भी कट गया, सिर्फ उसका रिपेयर हुआ, मैंने उनका जो कायाकल्प होना था वो नहीं हुआ। तो यानी एक तरीके से वहाँ पर ढांचा तैयार कर दिया गया है। और डॉक्टर के बारे में आपने कुछ नहीं कहा? डॉक्टर का तो हमने गोपालपुर गए दो मरतबा, हमने SDO को कहे हैं, एक बार मैंने DM को लिख के दिए हैं कि बैसी जहांगीरपुर एक हॉस्पिटल नहीं सर, वह एक पशु का घर है, यह मैंने DM को कहा हूँ। कहीं ने हमारे गांव में भी महादलित का भोज हुआ था, हम कहने वाले आदमी हैं कि सर ये देखिए, हमने हाथ से बताया DM साहब देखिए यहाँ पे पशु जुड़ा हुआ है, जहाँ की इंसान की इलाज होना चाहिए वहाँ पशु जुड़ा ये है, तो इसका कम से कम सर आप इस हॉस्पिटल को बढ़िया कर दें, तो उतने में बदली हो गया, DM बदली हो गया। हाँ जब बात रखे थे तो बदली हो गया बेचारा। फिर हम मगर प्रयासशील, देखिए दो चीज़ के लिए हमने आज तक जद्दोजहद है जो मेरे साथ जितना चलता बनता, एक तो मसूदनपुर से बैसी तक सड़क नहीं है, हमारा सबसे बड़ा तकलीफ पूरी बैसी समाज का सड़क का है, सड़क आज नौगछिया INS से नहीं है, ये मेरा दिली जद्दोजहद है कि सड़क अच्छा हो जाए, एक मेरा मिडिल स्कूल हो जाए, उर्दू स्कूल प्राइमरी से मिडिल स्कूल हो जाए और मॉडल हॉस्पिटल बने, ये मेरा सपना है। मिडिल स्कूल के बारे में आपने बात की, तो जो पहले मिडिल स्कूल था वो अब हाई स्कूल बन चुका है जी, तो उसी वक्त ये भी काम हो जाना चाहिए था। ये कौन सी प्रक्रिया में चला गया? इस साल में जो मार्च आएगा, मार्च के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा भी मिडिल स्कूल बन जाएगा, क्योंकि हाई स्कूल के बाद प्राइमरी स्कूल का ये होता है बदलाव होता है, तो हम लोग दे दिए हैं और एकदम होगा जी। आपने शिक्षा के बारे में बात की है भी और हॉस्पिटल के बारे में भी जानकारी दी, और एक बात रह गई है, पता चला है कि हर पंचायत में जो है
सरकार की तरफ से वाहन दिया जाता है जिससे कि ग्रामीण को आसानी हो और कम रुपए में वह मार्केट तक जा सके, तो उसके बारे में अब तक यहाँ कोई ना चर्चा है ना कोई काम हुआ है, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए ये बात मैंने सुना था, ये बात सुना था, मगर सरकार के जब नुमाइंदा से पूछे हम, SDO से पूछे जो कि अखिलेश बदली हो गए SDO साहब जो थे, देखिए ये कहीं कहीं हुआ है, सरकार हर जगह अब तक लागू करने में विफल है, हर जगह करने में विफल है, उसने बात टाल दिया और टालने के बाद हमने इस बात को मालूम करना चाहे कि धरातल पे बात कैसे आएगा, मगर वो बात हम तक मालूम नहीं हो सका, यानी ये बात अधूरी रह गई, अभी तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। नहीं, मुझे जहाँ तक पता है कि एक वाहन देखे हम कारो सिंह का, जिस पे के सरकारी नाम भी लिखा हुआ है, उससे ये पता चलता है कि ये कोई सरकारी वाहन है, तो वो कहाँ से आया? ये सरकार भी तो बोली, सरकार का SDM भी बोला कि सरकार दिया है, कहीं आया है, मगर ये बात पूरा तरह से धरातल पे नहीं उतरा है। सरकार के आदमी भी ये बात माना कि गाड़ी कहीं ना कहीं मुहैया किया है, मगर ये 100% पंचायत में अब तक लॉन्च नहीं हुआ है। ये बात तो हमसे भी हुई, मगर इसको जानकारी प्रॉपर हमारे तक ये बात अब तक नहीं आया, अगर हुआ तो हमारे पंचायत में क्यों नहीं हुआ, इस पर हम तक पूरी जानकारी नहीं आ सका, इसके अभाव रही। अब पंचायत चुनाव आने वाले हैं और आप दो मरतबा यहाँ सरपंच पद पर रह चुके हैं जहांगीरपुर बेसी पंचायत में, आप किस पद पर चुनाव लड़ने वाले हैं? मेरा पहला तो एक राय है कि मेरा ये 5वां चुनाव होगा और समाज से मेरा एक ही गुजारिश है कि यह महिला सीट है, हमारी पत्नी मैदान में जाएगी, हम उनका सहयोगी हैं, अब उनको ये देखना है कि हमारा चौकीदार या हमारा खटने वाला हमारे साथ जो 5 साल या 25 साल 20 साल पद पे रह के कैसा हमारे साथ काम किया या हमारे साथ कैसा उसके साथ रहा बातचीत, तो उस मुद्दा को लेके जाएंगे कि जो आपके साथ हमने बिताए दिन और रात 5 साल खरार है, हम दोनों मियाँ भी इस मुद्दा को लेके जाएंगे और इसी मुद्दा पे चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि हमने दो काम किए हैं सरकार का, पार्टी की तरफ से दो काम हुआ, एक तो डॉक्टर RK राणा का PCC का काम किए हैं, लोगों ने पूछ लीजिए कि हमने अच्छा किए हैं, एक मॉडल मैंने बाथरूम शौचालय बनाए हैं MP कोटा से, वो भी अच्छा बना है, हम अच्छा नहीं कहेंगे समाज अच्छा कहे, मगर हम जो लेके जाएंगे मैदान में हम दोनों भी, यहाँ भी पंचायत समिति चुनाव हम लोग लड़ेंगे एक ही बात पे कि जो आपके साथ मेरा बातचीत रहा, विचार रहा, वर्क रहा, उसी बात को लेके हम समाज के बीच जाएंगे और उसका जो निर्णय समाज करेगा हम उस बात पे खुश हैं। आप क्या करने वाले हैं इस मरतबा समिति बनने के बाद, अगर बन गए और समाज ने आपको सपोर्ट किया तो फिर आप क्या करेंगे समाज के लिए? हमारा 3 मैनिफेस्टो रहेगा, पहला तो हमारे गांव तक आवागमन सड़क हो अच्छा, जिससे कि पूरी समाज को आज मस्जिद से निकलिएगा वहाँ जाके गिरिएगा, गांव के बाहर में जो कि पूसा चाका वहाँ पे ये मकान है जर्जर सड़क है, उनके बाद जाइए आप उस टोले में वहाँ भी जर्जर सड़क है। मेरा पहला मुद्दा रहेगा हमारे गांव का, सबसे पहला मुद्दा कि सड़क बेहतर हो, उनके बाद कटाव भी मुद्दा रहेगा, उनके बाद शिक्षा मुद्दा रहेगा, इसी तीनों बिंदु को हम लेके आएंगे और अल्लाह अगर हम हयात में रखा तो 3 मुद्दा में कोई ना कोई एक मुद्दा तो हम सक्सेस करिए देंगे, हॉस्पिटल और रास्ता ये तो मेरा सबसे पहला मुद्दा क्या, और उनके बाद कटाव के लिए इस बार मैंने पूरी जद्दोजहद किए हैं और आने वाला कल इस समाज के लिए जितना हमसे चलेगा बनेगा और जितना दिन हम अल्लाह ने रखेगा हम इस समाज के लिए कुर्बानी देते रहेंगे, इसलिए इस समाज ने हमें धूल से फूल बनाया है, हम जिस लायक नहीं थे आज साधुपुर बैसी जहांगीरपुर सब ने मिल के जो मुझे बनाया है ये मुझे कर्ज है, इस कर्ज को चुकाएंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे, इस समाज को सब दिन हम आपसे अपने से बड़े मानेंगे। और आप सबसे आखिरी सवाल आपसे ये है,
आप इस जहांगीरपुर बैसी पंचायत के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देंगे, सबसे पहला संदेश हमारा निदाय कासिम, अगर कोई फिक्र दिया है पूरी गांव को, उस फिक्र को निभाना है, उस फिक्र पे ज़रा भी दारोमदार नहीं होना चाहिए। दीन का फिक्र वया ईमान मजबूत होना, दीन से भटकना वया ईमान कमज़ोर होना। हम पूरी अपने ईमान वाले भाई को कहेंगे कि निदाय कासिम का फिक्र सबको लेना है, निदाय कासिम का फिक्र सबको लेना है, और पूरी पंचायत वासी को हमें एक बार समिति में मदद करना है, और जिस तरह से मैंने सेवा किया हूँ वही सेवा जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।